मैंने उसको तो मैंने मुंह लगाया नहीं ना 2-3 दिन से, तो फिर मैसेज आया था, मालीज हाउ आर यू। अरे भाई मैं तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाती हूँ, मालीज का एक स्टैंडर्ड है। वो तो मैं इस वजह से आ गई थी उस दिन, क्योंकि आई डिडंट वांट टू सी दिस ऑल ब्रेकिंग अप, क्योंकि माली चाहती कि सब लोग मिल बांट के रहे। मगर जब आप लोग कीड़ा होता है ना, फिर आप जब मेरा नाम लोगे ना, तो माली ने तो फाड़ के रख देना है। आई डोंट गिव अ शिट, मैं तो फाड़ दूंगी। मगर ये छोटा है, ये है क्लाउट, ये बंदा वो है जो क्लाउटिंग करता है, इसको चाहिए सब्सक्राइबर्स। ये हमारे नाम, मेरे नाम का वीडियो डाला है, देखो जरा कितने व्यूज इकट्ठे किए हैं, इसे बटोरे हैं मेरे नाम के उसपे। हाँ, ये तो चाहता है मैं इसका नाम लूं ताकि इसको और सब्सक्राइबर्स मिले, मेरी वजह से ट्रैफिक जाए, तो मैं इसका नाम क्यों लूं? ऐसे टट्टों का नाम तो मेरे लिए नहीं है, और वो भी कटा हुआ टट्टा। एक वो है और एक वो हराम जी बैठे होते हैं वहां पर। अच्छा, और अब हम बात करेंगे ये इनकी, मेरा पता नहीं ट्विटर यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है। आई एम जस्ट लाइक रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड कि यहाँ क्यों नहीं चल रहा है, मगर आई विल फिगर दैट आउट आफ्टर। मैं इतना प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ गाइस, मेरी आज आवाज भी वही भी है जरा। अच्छा, तो ये एक मैं आपको दिखाती हूँ ट्वीट जो लगाया है इन्होंने, नीरज जी ने ट्वीट किया है, दिस रोड साइन आल्सो हैज आल्सो फॉलन फ्रॉम टपोरी, द स्पिरिट ऑफ प्रॉफिट डिड नॉट लीव। ये नीरज जी ने ये ट्वीट किया है, अगर आपको देखना है तो मेरे ट्विटर पे है, आप जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। नीरज जी जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है भैया, मैं तो इस बंदे को समझती थी कोई रेप्यूटेबल बंदा है। ट्वीट क्या किया है, ट्वीट क्या किया है, ये किसी और ने, ये जिसने फेक प्रोफाइल बनाई हुई है हारिस सुल्ताना, एक फेक प्रोफाइल से किसी ने ये ट्वीट लिखा है यहाँ पर कि स्प्रेडिंग हेट स्पीच अगेंस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स and is giving life threatening threats. He is an ex Muslim and is spreading hate and all. Proof कहाँ है? Death threat कहाँ है? Proof, hate speech कहाँ है? ओ भाई चोदो, तुम लोग इंडिया में बैठे हो, इंडिया की तरह का यहाँ का, फिर बोलते हो इंडिया ज्यादा बेहतर है वेस्ट से। नहीं, वहां तो सुपारियां चलती हैं, वहां रिश्वतें चलती हैं इंडिया में, कि जरा सा आप पीछे से पैसा लगाओ तो किसी शरीफ बंदे को, इनोसेंट बंदे को उठा के अंदर कर देंगे ये लोग। मगर यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ पे मांगते हैं प्रूफ। अब बोला अपनी गांड से निकाल के जाओ, मगर जब अपनी गांड से निकाल के नहीं ला सके ना, तो किस चीज पे जाते हैं? मुझे तो मजा आता है, अरे आप लोग एंजॉय किया करो इनके कमेंट, आप लोग सीरियसली क्यों ले रहे हो? कितनों को रोकोगे, कितनों को रोकोगे? अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक दो लोगों ने ट्वीट किया है, जरा सा और फेमस हो गए, आप लोगों का ट्रेंड चल गया ट्विटर पे, तो आप लोगों ने तो अपने आप को मार ही डालना है फिर। अगर आपकी सिर्फ 2-3 ट्वीट में ही फट गई, तो इमेजिन करो किसी दिन इनके नाम का ट्रेंड चल रहा हो। हाँ, बड़ी बात, तो इनकी तो शिट वैसे ही निकल गई, इनका फिर क्या हाल होना है। हाँ, वो हराम हराम है, और वो सबको एक्चुअली, वो जो हराम भाई वहां बैठते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं इंडिया के या पाकिस्तान के, अपनी शक्ल कभी किसी को मत दिखाना, अपनी तस्वीरें स्पेशली हरामियों को तो मत देना प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग आपकी तस्वीरें यूज करके ब्लैकमेल कर रहे हैं जी, ब्लैकमेलिंग हो रही है पूरी पूरी। और ये हमको न्यूज, ये ऊपर से नहीं मार रही मैं, ये लोगों से बात हुई है जिन्होंने ये बताया है कि हाँ ये चीज हो रही है, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। कितनी अफसोस की बात है, वो तो आपने खुद ही सुन लिया था, हराम जी ने खुद ही कहा मेरे को दो डेटा, मेरे को दो डेटा, मेरे को दो डेटा, मैं अभी करता हूँ ना, मैं यहाँ का गुंडा। तो फिर बीच में आमिना बोली, ए तुम वहां से गुंडे,